नमस्कार दोस्तों, आज हम कोडीन कफ सिरप और कोडीन ड्राई कफ सिरप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल है जिसमें कोडीन फॉस्फेट दवाई रहती है जो ड्राई कफ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और बहुत से लोग ये जो कोडीन फॉस्फेट दवाई है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर उसे नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट करता है और इसे वो जो ड्राई कप के लिए किस तरह से यूज़ होती है ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रांड देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला है वो है कॉफ स्टेट टी सिरप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोडीन फॉस्फेट इसमें है और दूसरा है ट्रिप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो कोडीन फॉस्फेट इसमें 10 mg में डाला गया है और ट्रिप्रोरिडिन है वो 1.25 mg में डाला गया है, ठीक है। और इसकी हम प्राइस देखें तो 108 रुपये है और ये वॉटरी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करता है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो कोडीन कफ सिरप होता है वो बेसिकली ड्राई कफ में यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको कफ या बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, तेज़ खांसी आ रही है लेकिन कफ बाहर नहीं निकल रहे गले में से, ये जिसे ड्राई कफ कहते हैं, ठीक है, सूखी खांसी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है ये कोडीन सिरप। तो ये है कॉफ स्टेट टी सिरप, ठीक है। तो दोस्तों हम इसका दूसरा ब्रांड देखें तो यहाँ पे हमारे पास है वो है कोडीक्रस टी सिरप। इसमें भी कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोरिडिन डाले गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर ड्राई कफ और इसके ये है जो नेविल फार्मास्यूटिकल इसे मैन्युफैक्चर करता है और इसकी प्राइस 110 रुपये है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो ब्रांड है वो है कोडीस्टार, ये मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी प्राइस है 119 रुपये। इसमें कंटेंट देखें तो इसमें भी कोडीन फॉस्फेट 10 mg में है लेकिन इसमें ट्रिप्रोलिडिन की जगह क्लोरफेनिरेमाइन डाला गया है, वो भी एक एंटी एलर्जिक ड्रग ही है ट्रिप्रोलिडिन की तरह है, ठीक है। तो इसकी जो मेन दवाई है वो है कोडीन फॉस्फेट 10 mg, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये कोडीन सिरप है वो क्या करता है। तो जो कोडीन फॉस्फेट दवाई है वो बेसिकली एक कफ सप्रेशन है, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें एक कफ सेंटर रहता है, तो ये जो कोडीन फॉस्फेट है उस कफ सेंटर की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो उसकी वजह से जो ड्राई कफ होते हैं हमारे गले में या फिर हमारे जो फेफड़ों में वो स्टॉप हो जाता है, उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और हमें खांसी नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा जो कंटेंट है वो है ट्रिप्रोलिडिन है, वो एक एंटी एलर्जिक दवाई है। वो क्या करता है कि वो एक एंटी हिस्टामिनिक दवाई है, हमारे बॉडी में हिस्टामिन नाम का केमिकल बनता है तो उसकी वजह से हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, एलर्जी होती है, नाक में से पानी निकलता है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी जो हमें एलर्जी से वो हिस्टामिन केमिकल की वजह से होती है, तो ये ट्रिप्रोलिडिन उसके हिस्टामिन केमिकल का एक्शन को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से हमें खांसी नहीं होती है या फिर स्नीजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिरप है ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है इसकी वजह से आपको नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी आ सकती है, या फिर इसकी वजह से बहुत ही पसीना होता है, स्वेटिंग होता है। तो जिन लोगों को ये कोडीन सिरप की जो लत लग गई है, जो बहुत ही ज़्यादा कोडीन सिरप नशे के लिए यूज़ करते हैं, उनको आपने देखा होगा कि उसमें शरीर में से पसीना बहुत निकलता है और या फिर उसको ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी सांस भी फूल जाती है जो ज़्यादा कोडीन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि उसको कब्ज की प्रॉब्लम भी रहती है जो बहुत ही ज़्यादा कोडीन सिरप यूज़ करते हैं, पीते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कोडीन सिरप है अगर आपको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करे तभी इसे यूज़ करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी मत यूज़ करना और इसकी वजह से आपको एडिक्शन भी हो सकता है कोडीन सिरप का, ठीक है। तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के इसे कभी भी यूज़ ना कीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कोडीन सिरप के बारे में और हमने आप यहाँ पे तीन डिफरेंट ब्रांड्स की कोडीन सिरप देखा, ठीक है। तो अगर ये जानकारी आपको